रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दुरुद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था। उसमें बेटा हमने पढ़ा था रियल नंबर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर क्या होती हैं जी। फिर उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए और लास्ट लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 का था। बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक्सरसाइज 1.2। जो बेटा पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते कौन से हैं आपके पास। बेटा मैंने आपको जब स्टार्ट कराया था ये चैप्टर, रियल नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था, रियल नंबर की मैंने बेटा आपको डेफिनेशन बताई थी कि अ नंबर हुज स्क्वेयर इज नॉन नेगेटिव। मैंने कहा था बेटा कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वेयर करेंगे आंसर नॉन नेगेटिव है, इट्स मीन पॉजिटिव आ जाए आपके पास। नॉन नेगेटिव में बेटा जीरो भी शामिल होता है, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो वो नंबर आपके पास बन जाते हैं रियल। अ नंबर हुज स्क्वेयर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। अब बेटा हम उन नंबर को डिस्कस करेंगे जिनका स्क्वेयर करेंगे आंसर अगर नेगेटिव आ जाए, तो उन नंबर को हम क्या कहेंगे बेटा, उन नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला डिफरेंस बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर को क्या होते हैं, जिनका स्क्वेयर करें आंसर नॉन नेगेटिव आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर हुज स्क्वेयर इज नेगेटिव। ओके, अब पहला डिफरेंस ये हो गया जी। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आपके पास लिखा कैसे जाता है, कॉम डिफाइन डेफिनेशन बेटा करते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। बेटा z की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास जी, ये z से डिनोट करते हैं, u से भी कर सकते हैं, v से भी, कोई इशू नहीं है। a प्लस बी आयोटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर ऐसे लिखा होगा 2 प्लस 3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। अब देखो a की जगह बेटा 2 आ गया, दरम्यान में प्लस आ गया, b की जगह 3 आ गया आयोटा। इट्स मीन कि इसमें a और b जो होते हैं वो बेटा रियल नंबर होते हैं, और आयोटा जो होता है वो कौन सा होता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। क्लियर? ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जब भी ये, अब ये 3 प्लस 4 आयोटा बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने अर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, उसको कैसे बेटा लिख सकते हैं, ये 3 लिखना है, कॉमा डालना है। इधर बेटा अगर +4 होगा तो हम लिखेंगे +4 और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अगर इधर होगा -4, कॉमा डाल के -4। इट्स मीन कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्डर पेयर की शेप में भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये आर्डर पेयर में है तो हम इस फार्मूले में 3 लिखेंगे, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, इसके साथ आयोटा लिख लेंगे। ओके, इट्स मीन कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपको बताया कि हम हर उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे जिसका स्क्वेयर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका नेगेटिव आएगा स्क्वेयर। अब पहली बात तो यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो बेटा एक अलग डिस्कशन है। हम जस्ट आपने बेटा जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी, हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा आपने एक नोट लिखना है अपने पास। आपने हमेशा याद करना है कि बेटा आयोटा स्क्वेयर जहाँ कहीं भी आएगा हम उसकी जगह क्या बेटा लिखेंगे, ऑलवेज इक्वल टू -1 लिखेंगे। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश है, आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1। जब भी कोई क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आयोटा की पावर 98 को सॉल्व करना है, आयोटा की पावर 100 को सॉल्व करना है, आयोटा की पावर 19 को सॉल्व करना है, तो आयोटा की कोई भी पावर आ जाएगी हमने उसको सॉल्व करना है। बेटा आपने इसका सोल्यूशन जो स्टार्ट करना है ना, आपने बेटा बेस में लिख लेते हैं आयोटा स्क्वेयर। क्या लिख देना है जी, आयोटा स्क्वेयर। अब मैंने 98 बनाना है जी। अब आपने सोचना है कि मैं इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा ये 98 बन जाए। वेरी वेल नाउन, 49 से बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 98 बन जाएगा। इट्स मीन कि जब भी आयोटा की कोई पावर आ जाएगी आपने बेस खुद से क्या लिखना है, आयोटा स्क्वायर लिखना है। फिर हमने ऐसी पावर लिखनी है कि उसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाए। अब 2 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगा, एग्जैक्ट 98 बन जाएगा, वेल एंड गुड। अब आयोटा स्क्वेयर की जगह बेटा हम क्या लिखेंगे जी, -1 49। अब बेटा ये नोट 1 था आपके पास, अब बेटा नोट 2 लिखना है।
जब भी बेटा माइनस वन की पावर होगी इवन, क्या वर्ड बोला जी, माइनस वन की पावर इवन होगी तो आंसर आएगा प्लस वन, अगर बेटा माइनस वन की पावर ऑड होगी इसका आंसर बेटा आएगा माइनस वन। ये दो पॉइंट याद रखने, पहला पॉइंट कौन से बेटा बताया, का आयोटा स्क्वायर जहां कहीं आएगा हमने क्या लिखना है बेटा माइनस वन लिखना है, और जब भी माइनस वन की पावर इवन आएगी तो उसको हमने क्या लिख देना है प्लस वन, माइनस वन की पावर ऑड आएगी तो क्या लिख लेना है प्लस वन। ओके, तो सबसे पहले जब भी आयोटा की पावर जो भी आ जाएगी उसका सोल्यूशन का मेथड हमारे पास क्या होगा, हमने बेस में आयोटा स्क्वायर लिखना है बेटा, आयोटा स्क्वायर लिखा। अब हमने टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 98 बन जाए, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 98, इट्स मीन हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक हो गया, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। अब बेटा तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि माइनस वन की पावर इवन है या ऑड, 49 ऑड, इट्स मीन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वन, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आयोटा की पावर बेटा 100 को हमने सॉल्व करना है, बेस में बेटा आयोटा स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं आंसर 100 बन जाए, बेटा 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, अब आयोटा स्क्वायर की पावर माइनस वन, माइनस वन को बेटा 50, अब माइनस वन की पावर इवन है तो माइनस वन की पावर इवन आएगी तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा प्लस वन, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आयोटा की पावर 19, बेस में बेटा हमने आयोटा स्क्वायर लिखना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 19 आए या उसके करीब आए, अब बेटा 19 तो आ नहीं सकता, 2 को बेटा 9 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 आ जाएगा, अब 19 में कितने बच गए बेटा 1, तो 1 आयोटा बेटा आपने साइड पे लिख लिया आयोटा की पावर 1। अब इसको बेटा हमने सॉल्व करना है माइनस वन 9 आयोटा, अब माइनस वन की पावर ऑड आ गई है तो माइनस वन की पावर ऑड बेटा माइनस वन होता है इनटू आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। बेटा नोट थ्री, नोट थ्री पहला क्या है बेटा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आयोटा स्क्वायर जब आएगा माइनस वन लिखेंगे, माइनस वन की पावर इवन होगी तो प्लस वन, माइनस वन की पावर ऑड होगी तो माइनस वन, माइनस वन की पावर इवन होगी प्लस वन। ओके, नोट थ्री बेटा क्या होगा, एक आपने बेटा याद रखना है कि वन बाई आयोटा जब भी आएगा हम इसकी जगह डायरेक्ट माइनस आयोटा लिख देंगे। अब इसको जरा समझिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वन बाई आयोटा बेटा है, ये मैंने क्यों कहा है कि आपने माइनस आयोटा लिख लेना, ये आता है कैसे बेटा, आपने क्या करना है आयोटा से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा बन गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो जहां कहीं भी वन बाई आयोटा आएगा हम उसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस वन। अब बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने तीन बातें नोट करनी है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन की इक्वल होता है, माइनस वन की पावर जब इवन होगी तो प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन की पावर ऑड होगी तो माइनस वन आ जाएगा। तीसरा पॉइंट बेटा क्या याद रखना है, वन बाई आयोटा आएगा तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे माइनस आयोटा। ओके, अब बेटा हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमने क्वेश्चन कैसे करने हैं जी, 1.2 को स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी आयोटा की पावर 9, तो मैंने अभी क्या बताया बेटा कि बेस में आयोटा स्क्वायर लिखना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 9 है या इसके करीब है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर बेटा माइनस वन, 4 डॉट आयोटा, माइनस वन की पावर इवन है प्लस वन, तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। इसी तरह बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस आयोटा की पावर 19, माइनस आयोटा की, ये बेटा आपके पास क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ये बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट है बेटा, और अभी जो कर रहे हैं ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बेटा माइनस आयोटा की पावर 19 आ गई, क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, जब भी किसी भी नंबर के साथ माइनस आएगा तो सबसे पहला काम आपने बेटा ये करना है माइनस वन मल्टीप्लाइंग बाई दैट नंबर लिखना है। अब बेटा माइनस वन पर 19 अलग कर देनी है, आयोटा पर 19 अलग कर देनी है, माइनस वन की पावर इवन है या ऑड, डेफिनेट सी बात है 19 ऑड है तो माइनस वन आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 19 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस में आयोटा स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो 19 आ जाए, बेटा 9 से मल्टीप्लाई करें 18 बनेगा, या इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है या तो वही नंबर एग्जैक्ट बन जाए या उसके करीब करीब बने, इसको कितने रह गए बेटा आयोटा
माइनस वन मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन की पावर नाइन आयोटा, माइनस वन मल्टीप्लाइंग माइनस वन की पावर नाइन बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस वन इंटू आयोटा, माइनस माइनस बेटा प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाइंग बाई माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके अब बेटा अभी जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर का फोर्थ पार्ट है जो काफी मरतबा पेपर में आ चुका है, ये आपने बेटा अंडरस्टैंड करना है। ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन है माइनस, ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइनस 21 बाई 2। अब बेटा इसमें आयोटा आपको नजर नहीं आ रहा, जस्ट माइनस वन नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं माइनस वन कॉम्प्लेक्स नंबर में किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्केयर माइनस 21 बाई 2 बेटा लिख सकता हूं। ओके 2 2 से बेटा कैंसिल, ये बन जाएगा आयोटा की पावर माइनस 21, नेगेटिव है तो बेटे इसको डिनोमिनेटर में ले आयोटा की पावर 21, अगेन आयोटा की पावर 21 है, तो मैंने कहा आयोटा की कोई भी पावर आ जाए हाउ कैन वी सॉल्व, आयोटा 21 तो नहीं बन सकता, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 डॉट आयोटा, 1 बाई माइनस 1 की पावर 10 डॉट आयोटा। अब बेटा माइनस 1 की पावर इवन आ गई तो प्लस 1 आएगा, ये बन जाएगा 1 बाई आयोटा। नोट में एक बात लिखवाई थी 1 बाई आयोटा बेटा किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा, कोई कंफ्यूजन इसमें। ये बेटा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये तमाम स्टूडेंट ने बेटा लिखना है लाजमी ये क्वेश्चन। ओके अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इसका मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा और वही सॉल्व करेंगे हम। फॉर एग्जांपल बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आई थिंक सो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये बेटा है अंडर रूट माइनस 5। क्वेश्चन हमारा ये होगा कि इसको आपने राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, हमने बेटा इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखना है। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी नंबर के साथ माइनस आ रहा होगा आपने क्या लिखना है बेटा, माइनस वन मल्टीप्लाइंग बाई 5, पहला पॉइंट। अब बेटा माइनस वन को सेपरेट, अंडर रूट 5 को सेपरेट। अब बेटा माइनस वन को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कैसे लिखते होते हैं जी, आयोटा स्क्वेयर मल्टीप्लाइंग बाई 5, इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, ये कैंसिल जब होगा आयोटा मल्टीप्लाइंग बाई 5, तो हम बेटा इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 5 आयोटा, ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट बेटा इसके एक और पार्ट भी कर लेते हैं, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25। अब बेटा दो नंबर आ गए, दो नंबर को सेपरेट कर लें, ये बेटा माइनस 16 अलहदा, अंडर रूट 25 अलहदा। अब बेटा क्योंकि इसके साथ तो नेगेटिव आ नहीं रहा, इसको डायरेक्ट आप लिख दें, और जिसके साथ नेगेटिव आएगा मैंने क्या बोला है, माइनस वन मल्टीप्लाइंग बाई दैट नंबर, 25 को बेटा 5 कहते होते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाइंग बाई 16 डिवाइडेड बाई 5। अब बेटा माइनस वन को क्या लिखते हैं, मैंने आपको कहा कि जब भी माइनस वन आएगा आयोटा स्क्वेयर 16 का बेटा 4, इसको क्या लिख सकते हैं 5, ये कैंसल होके आयोटा मल्टीप्लाइंग बाई 4 बाई 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। बेटा 9 क्वेश्चन हमारे पास है क्या, 6 7 बेटा इजी क्वेश्चन, दैट्स मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 9, ये बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, और दूसरा बेटा है ऑर्डर पेयर में
-3 -2। अब बेटा मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्डर पेयर के शेप में लिख सकते हैं। अगर आर्डर पेयर में लिखा होगा तो उसको नोटेशन में हम लिख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिनल नोटेशन होती है। सबसे पहला काम बेटा इसको सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन में लिखता हूँ। कैसे लिखेंगे बेटा? 5, मैंने कहा इधर माइनस होगा तो 4i -3 -2i। यू नो वेरी वेल जब कुछ भी ना हो तो बेटा उधर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है आपके पास। अब बेटा ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन का रूल। 5 को बेटा इसके साथ सेपरेट करूंगा, -4i इसके साथ सेपरेट। 5 को बेटा -3 के साथ करूंगा तो ये बन जाएगा -15 -10i। बेटा इसको इसके साथ करेंगे, -4i को -3i के साथ करेंगे +12i, -4 को 2 के साथ बेटा करेंगे 8, ये बेटा बन जाएगा आयोटा स्क्वेयर -15 12i -10i, ये बेटा बन जाएगा 2i, 8i स्क्वेयर की जगह -1, ये बन जाएगा -15 +2i -8, -15 -8 बेटा क्या होता है -23 +2i। अब बेटा अगर इसको ऑर्डर पेयर की शेप में लिखना हो, मैंने क्या बताया था, ये पहला नंबर लिखे कॉमा, अगर प्लस है तो प्लस लिख लें, ये बेटा ऑर्डर। तो ये इसका जो सिंपल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके जी, इसको बेटा बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब बेटा ये मल्टीप्लीकेशन की इसी तरह अगर डिवीजन आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हम बेटा उनकी डिवीजन कैसे करते होते, ये स्टेप आपने सीखना है बेटा कि डिवाइड कैसे करते हैं जी। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के हाउ कैन वी डिवाइड एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। 26 डिवाइडेड बाई 37, ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन है 26 डिवाइडेड बाई 37। सबसे पहले बेटा इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखें, 2 + 6i डिवाइडेड बाई 3 + 7i, 2 + 6i 3 + 7i। अब बेटा डिवीजन में जब आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए बेटा एक चीज आपने सीखनी है कि कांजुगेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये बेटा मेरे पास है 2 + 3i। कांजुगेट क्या होता है, जहां पे आयोटा आ रहा है बेटा उसको -i में कन्वर्ट कर ले। इसी तरह बेटा फॉर एग्जाम्पल 7 + 6i, तो इसका कांजुगेट क्या बनेगा, 7 - 6i। इसको बेटा ऑर्डर पेयर में लिखेंगे ना, ये बनेगा 2 3, और इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये बनेगा 2 - 3। इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे बेटा 7 6, इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे -6। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि कांजुगेट काम क्या करता है मैथमेटिक्स में, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। अगर बेटा मैं इसको ड्रा करूंगा ना 2 3 को, ये मेरे पास 2 3, ये पॉइंट बनेगा, और 2 - 3 को ड्रा करूंगा, ये बेटा 2 - 3 नीचे होगा इसी पोजिशन पे। तो कांजुगेट जस्ट जो करते हैं ना, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल इधर पड़ा हुआ है, अगर इसका कांजुगेट लूंगा तो इसको दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देगा। इट्स मीन कि कांजुगेट किसी भी पार्टिकल को फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर क्वाड्रेंट शिफ्ट कर देते हैं। ओके फाइन, तो अब बेटा जब डिवीजन में आ जाएगा तो हमने इसको बेटा सॉल्व कैसे करना है। जब भी डिवीजन में होगा बेटा हमने सॉल्व ये करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा बेटा हमने इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना। ये बन जाएगा 3 - 7i 3 - 7i। ओके, अब बेटा ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 2 + 6i 3 - 7i डिवाइडेड बाई। अब बेटा जब भी आपका नीचे वाले कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये बेटा फार्मूला बनेगा a + b a - b, ये बेटा इक्वल होता है a² - b² बी आपके पास आएगा। अगर बेटा इधर 4 + 3i है तो इधर आएगा 4 - 3i, उसको आपने लिखना है 4² - 3i² तो ये हमेशा ये बात याद रखनी कि इधर a + b जब भी कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे a + b * a - b का फार्मूला बनेगा। ओके, अब बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 14i + 18i - 42i² /
थ्री का स्क्वायर बेटा 9 माइनस 7 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 49 आयोटा स्क्वायर, 14 प्लस 4 आयोटा माइनस 42 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 42 माइनस 1 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 42 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 42 ये बेटा आंसर आ जाएगा 42 प्लस 6 48 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 42 प्लस 9 बेटा 51 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इट्स मीन कि जब भी डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो हम उसको बेटा किस तरह सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसी से रिलेटेड बेटा आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं बेटा जस्ट लिखता हूँ, आपको जस्ट आइडिया दूंगा कि हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला और दूसरा 2 माइनस 7 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 16 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग बाई 4 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। अब ऊपर बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 4 जा 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 7 4 जा 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। नीचे वाला ऑलवेज मैंने क्या कहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा 8 माइनस 28 माइनस 10। इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 डिवाइडेड बाई 16 25 माइनस 1 8 माइनस 35 बेटा किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस 27 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 25 माइनस 27 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 16 41। अच्छा बेटा ये तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आएगा तो हम इस तरह करेंगे, अगर वो कहता है ना सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी, अगर ये क्वेश्चन में लिख लेते सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट रियल एंड इमेज, आपने बेटा क्या करना है पूरा प्रोसीजर ऐसे ही यहां तक करना है बेटा, उसके बाद आपने इसके नीचे बेटा अलहदा डिवाइड करा देना है माइनस 27 बाई 41 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाई 41, ये बेटा इसका रियल पार्ट, ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट बन जाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 16 बेटा इसी पैटर्न में आपने लोगों ने कर लेना है बेटा। अभी तक आपने जस्ट आयोटा की पावर को कैसे सॉल्व करना है वो सीखा है आपने, उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं वो आपने बेटा सीखा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो वो कैसे होते हैं वो आपने डिवीजन सीखी है, उससे रिलेटेड बेटा तीन चार क्वेश्चन दे। अभी बेटा हम सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग कैसे लेते हैं। ओके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके जी अब बेटा इसका मैं बिल्कुल सिंपल वे बताऊंगा, पहले फार्मूले की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा 3 प्लस 4 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको कहा जाता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटा सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको ऑर्डर पेयर की शेप में लिखें, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 3 4। क्लियर? अब बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे लिखना है बेटा, आपने यही दो नंबर लिखने, ऊपर पहला नंबर लिखा कॉमन डालने दरमियान फिर लाइन, दूसरे नंबर के साथ खुद से माइनस लगाना है, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है। अब बेटा डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, ये जो ऑर्डर पेयर का नंबर होगा ना आपने बेटा इसका भी स्क्वायर लेने दरमियान में प्लस, दूसरा जो नंबर है उसका भी स्क्वायर लेने। सिमिलरली यही चीज कॉपी पेस्ट कर देनी है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगेन बेटा 3 9 प्लस 16 माइनस 4 9 प्लस 16 3 16 बेटा 25
ये 25। तो बेटा मेथड क्या बताया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 7 - 4 है। सबसे पहला काम बेटा ऑर्डर पेयर की शेप में लिखें। अब बेटा इसका इनवर्स लिखना है आपने, तो लाइन से लगाएं, पहला नंबर बेटा 7, दूसरा नंबर -4, इसके साथ माइनस लगाना है आपने। अब नीचे क्या करना है बेटा, 7 का स्क्वायर दरमियान में प्लस ऑलवेज, दूसरा नंबर क्या है बेटा -4 का स्क्वायर, यही चीज कॉपी पेस्ट, 7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 7 49 + 4 माइनस माइनस बेटा प्लस, 7 का स्क्वायर यही चीज कॉपी पेस्ट 4, तो ये बन जाएगा 53 4 / 53। होप सो दैट आपको बेटा इनवर्स फाइंड आउट करना आ गया होगा। अब बेटा हम बुक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमने इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, मैं बेटा जस्ट एक ही कराऊंगा और कहा गया है कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करें। बेटा ये क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का। मैंने कहा ऑर्डर पेयर में लिखना है, अगर ऑर्डर पेयर में ना होता तो हम खुद से लिखते हैं, अब ऑर्डर पेयर में मिल गया और काम आसान हो गया। बेटा आपने क्या करना है, -4 - 7 लिखना है, इसके साथ खुद से माइनस, तो क्या करना है -4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ये बेटा बन जाएगा -4 16 + 49 16 + 49 - 4 65, ये बेटा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स आपने फाइंड आउट करना होगा तो बेटा इस मेथड से फाइंड आउट करें। ओके बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को फैक्टराइज कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेटमेंट के बनो फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब बेटा उसके लिए ना आपने एक दो नोट लिख लेने कि हमने फैक्टराइज कैसे करना है। बेटा फैक्टराइज के लिए नोट 1, जहां भी बेटा आपने प्लस देखना है आपने उसको इस फॉर्मेट में लिखना है -(-1), ये पहली चीज, जहां भी प्लस देखना है बेटा क्या लिखना है -(-1). उसके बाद बेटा ये नंबर 2 आयोटा स्केयर जो बेटा हम पढ़ रहे हैं उसको क्या लिख लेना है -1। नंबर 3 कि ए स्केयर -b² की फॉर्मेट जब भी बनेगी हम उसको क्या लिख सकते हैं a - b (a + b). तो जब भी फैक्टराइज का टॉपिक आएगा तो हम इन तीन चीजों को होल्ड करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है बेटा a² + 4b². अब बेटा मैंने इसको फैक्टराइज करना है, पहला पॉइंट बेटा क्या बताया कि प्लस की जगह आपने क्या लिखना है -(-1)(4b²), a² - 1 की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं iota² (4b²), a², ये ऑलवेज स्क्वायर बनेगी टर्म, 4 बेटा 2 का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर मौजूद है iota, तो ये बेटा हमारे पास a², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b² बन गया, तो हम क्या लिख सकते हैं a - b, अब b की जगह 2b आयोटा और a + b, तो ये बेटा आपके पास फैक्टराइज होके क्वेश्चन आ गया जी। ओके एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं फैक्टराइजेशन का, 9a² + 16b² 9a² पहला बेटा स्टेप आपको क्या बताया था कि जहां भी बेटा प्लस आ रहा है वहां पे क्या लिखना है -(-1)(16b²). अब बेटा इसको स्क्वायर बनाना है हमने, इसको मैं लिख सकता हूं 3a² iota² इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं 16b², तो ये बन जाएगा 3a² 16 बेटा किसका स्क्वायर होता है 4 का, बी आयोटा का होल स्क्वायर, अब आपकी फॉर्मेट a² - b² ए की जगह क्या आ रहा है 3a - 4b iota, नेक्स्ट आ रहा है 3a + 4b iota, ये बेटा फैक्टराइज हो गया हमारे पास।